Welcome back once again. I am D.K. Galorishar with a topic, David Copperfield, the novel of 50 marks, Be Hard About English for class 12. And before I teach David Copperfield on YouTube channel, I give you some informations, a brief introduction of the character of the novel, David Copperfield. David Copperfield को पढ़ाने से पहले इसके चैप्टर्स में जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, इसमें जिनका रोल भूमिका है, मैं उनका एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, एक संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, इस ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पहले आप जान जाइएगा, रिलेशन में बता रहा हूं डेविड के साथ। यदि इस रिलेशन को आपको याद है तो पक्का आपके दो नंबर तो आ ही जाएंगे इससे। और उसके बाद मैं इसका सैमरी ही बताऊंगा, और सैमरी आपका अपलोडेड है, थोड़ा सा वीडियो का जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स है, स्केच द कैरेक्टर्स, ऐसा जो क्वेश्चन आता है, मैं कैरेक्टर्स के भी, वो जो कैरेक्टर्स है उसके भी हम स्केच करेंगे, उनको हम चित्रण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं आज और स्टार्ट करते हैं। डेविड कॉपरफील्ड नोवेल, जिसके लेखक है कौन? चार्ल्स डिकेंस। याद रखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। जिन चलिए तो देखते हैं, पहला इसमें मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड द हीरो ऑफ द नोवेल, या क्या है, नोवेल का हीरो है कौन? जो ये द हीरो ऑफ द नोवेल कौन है? मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड। कहानी को आप पढ़िएगा बेसिकली तो डेविड कॉपरफील्ड के पिता का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड था, बट इनके जन्म से 6 महीना पहले डेविड कॉपरफील्ड जो इनके पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, तो इसीलिए इनके पिता के याद में इनकी मम्मी, जो नीचे देखिए क्लारा कॉपरफील्ड जो डेविड की मदर है, इस डेविड की मां, कौन डेविड, जो हीरो है जिस पर यह नॉवेल लिखा गया है, तो मिस क्लारा कॉपरफील्ड इसके पति भी क्या थे? डेविड कॉपरफील्ड, जिनकी मौत हो जाती है, तो ये जो बच्चा जन्म लेता है उसका नाम भी इस इन्होंने अपने पति के नाम पर ही मिस्टर क्या, डेविड कॉपरफील्ड रख देती है, ताकि ये अपने पति को इसी बहाने याद करती रहे। इसीलिए मिसेस क्लारा कॉपरफील्ड ने अपने बेटे का नाम अपने पति के नाम पे डेविड कॉपरफील्ड लिखा। ये ओरिजिनल नॉवेल आप पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है? तो चलते हैं आगे। दूसरा, मिस्टर क्लारा कॉपरफील्ड क्या बताया, डेविड की मदर है, ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल जो मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड से शादी की थी, लगभग उस समय मिस क्लारा कॉपरफील्ड का एज लगभग 20 के आसपास था, जबकि इसके पति यानी डेविड कॉपरफील्ड के पिता, जो वो भी डेविड कॉपरफील्ड थे, उनकी एज लगभग 40 के आसपास थी उस वक्त। ऐसे मैंने ये बात आपको समरी में बताया है, आप 50 मार्क्स जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखिएगा, आपको ये समरी मिल जाएगा। मिस क्लारा पिगोटी ये कौन थी? तो देखिए, डेविड्स नर्स, डेविड की दाई थी, सेविका थी, डेविड के फैमिली में जो काम करती थी, यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की, छोटी सी लड़की, कम ही उम्र की लड़की थी, जो यहां पे क्या करती थी उस वक्त, डेविड के फैमिली को देखरेख करती थी। नेक्स्ट है मिस बेट्सी ट्रॉटवुड, डेविड्स ग्रेट आंट, ग्रेट आंट, इस देखिए आंट ना लिख करके ग्रेट आंट लिखा है, तो आप बहुत सारों को लगता है ग्रेट क्या लिखा, महान, नहीं, यहाँ पे ग्रेट आंट मतलब होता है क्या, जैसे कि आप रिलेशन देखे होंगे कि एक आपकी फुआ, आपकी आंट, यहाँ आंट फुआ के बारे में कहा गया है, चाची के बारे में नहीं कहा गया है। मैं क्लियर कर दूं क्योंकि ओरिजिनल नॉवेल में ऐसा ही है, और बहुत सारे जो हैं वो क्या करते हैं, समराइज पढ़ लेते हैं और यहाँ पे चाची कहने लगते हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही उनकी बुआ थी, ये उनकी बुआ तो थी लेकिन कैसी, उनके पिता की, ओरिजिनल जो डेविड कॉपरफील्ड है, ये लोग समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये डेविड कॉपरफील्ड जो है, ये जो हीरो है उसकी बुआ नहीं है, इसकी पापा यानी जो मर चुके हैं उनकी बुआ, इसीलिए इनकी क्या हुआ, दादी बुआ जिसको बोलते हैं, दादी फुआ बोलते हैं, इसीलिए ग्रेट लगता है, जैसे आप ग्रैंड फादर बोलते होंगे तो क्या होगा, दादाजी, अब ग्रेट ग्रैंड फादर, तो दादा के पिता यानी पापा के दादा, तो ग्रेट लगा, तो ये किसकी फुआ, पापा के फुआ, इसीलिए ग्रेट लगा,
हिंदी इसको छड़ दादा छड़ दादी नॉर्मली बहुत सारे हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है, हिंदी लैंग्वेज में वही है, यानी दादा के पहले वाला, यानी ये आंट किसका है, ग्रेट आंट लगा, यानी पापा का फूआ, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आप मतलब इसको कंटिन्यू याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं लेकिन, बट ये ओरिजिनल नॉवेल से मैंने स्टडी करके आपको बताया है, इसमें कोई डाउट की समस्या ही नहीं है। मिस्टर एडवर्ड मडस्टोन जो है वो डेविड का क्या है, तो डेविड का स्टेप फादर है। जब इसके पिता मिस्टर कॉपरफील्ड की मृत्यु हो जाती है, और ये जो बच्चा डेविड कॉपरफील्ड है, जब इनका जन्म होता है तो इसकी माँ जो है कुछ दिनों के बाद इस क्या करती है, डेविड के जो स्टेप फादर यानी मिस्टर एडवर्ड मडस्टोन से शादी करती है। मैंने इसको बारे में बताया कि लाल इसकी ये जो है ये मिस्टर एडवर्ड थॉमस एक क्रूएल थे। अस्टोन मडस्टोन, मड आप साइलेंट कर दीजिए तो आपको पता चलेगा, मड कीचड़ स्टोन पत्थर, यानी कीचड़ और पत्थर, यानी कहने का मतलब ऐसा घटिया किस्म का इंसान भी था, जैसा नाम था मडस्टोन उसी तरह से इसका कैरेक्टर्स भी थे, ठीक है। तो ये डेविड का क्या था, स्टेप फादर था, स्टेप फादर मतलब सौतेला बाप। नंबर छह पे कभी छठा कैरेक्टर की मैं बात करूं तो मिस जेन मडस्टोन है। देखिए इसका भी मडस्टोन है तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि मडस्टोन मिस लगा है तो ये लड़की है, यानी मिस मडस्टोन जो है वो डेविड्स की स्टेप आंट थी यानी बुआ थी, यानी कहने का मतलब मडस्टोन की बहन थी। एडवर्ड मडस्टोन की बहन का नाम क्या था, जेन मडस्टोन। देखिए क्वेश्चन को घुमाएगा बट आप उसके साथ घूमिएगा मत, ठीक है ना। कंटिन्यूअस ये देख लीजिए, उसके बाद आप सभी जरूर देखिएगा जरूर। थोड़ा सा लंबा है कोई बात नहीं, ये लंबा नॉवेल ही है, बहुत लंबा 64 चैप्टर का ये नॉवेल है। नंबर 7, मिस्टर डैनियल पिगोटी। मिस्टर ये जो डैनियल पिगोटी है, ये डैनियल पिगोटी है कौन, तो मिस पिगोटी ब्रदर, जो दाई है मिस पिगोटी, मिस क्लारा पिगोटी जो क्लारा कॉपरफील्ड की फैमिली की दाई है, उसकी ये क्या है, तो ये क्या है, मिस पिगोटी के भाई है मिस्टर डेनियल पिगोटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टर हैम पिगोटी के बारे में, तो हैम पिगोटी जो है मिस पिगोटी का नेफ्यू है। नेफ्यू मिस आप जानते हैं भाई का क्या होता है, बेटा, भतीजा जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन ये नंबर 8, 8वां करेक्टर है मिस्टर हैम पिगोटी, मिस पिगोटी नेफ्यू, अभी बोल करके गए हम। 9 नंबर पे आते हैं मिस इमली। इमली कौन थी, तो एन ऑर्फन गर्ल एट पिगोटीज फैमिली। पिगोटी के परिवार में एक ऑर्फन लड़की रहती थी, अनाथ लड़की रहती थी, जिनके मम्मी पापा जो है समुद्र में डूब के मर गए थे, तो ऑर्फन अनाथ हो गई थी, तो ये पिगोटी के घर में ही रहती थी। 10वां नंबर पर आता है मिस्टर वार्किस, ए बुल्लक का ड्राइवर, बैलगाड़ी, बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ी का ड्राइवर है, लेकिन वही आदमी जो है बाद में मिस पिगोटीज का भाभी बनता है, जो मिस पिगोटी क्लारा पिगोटी जो दाई रहती है उसका बाद में शादी किससे होता है, इसी बैलगाड़ी का ड्राइवर मिस्टर बारकिस से होता है, ठीक है। मिस्टर क्रेकल ये कौन है, तो द हेडमास्टर ऑफ सलीम हाउस स्कूल। सलीम हाउस स्कूल स्कूल का नाम है जहां पर डेविड को शुरू में एडमिशन करवाया गया था, उसका नाम था द क्या, ये सलीम हाउस। तो सलीम हाउस इस स्कूल इसके प्रिंसिपल का नाम था, हेडमास्टर का नाम था मिस्टर क्रैकल। देखिए क्रैकल जैसा क्रैकल होता है क्रैक, उसी जैसा कुछ ये व्यवहार में भी वैसा कड़क था, कौन, मिस्टर क्रैकल। मिस्टर जेम्स स्टीरफोर्थ ये जो नेक्स्ट नाम है, मिस्टर जेम्स स्टीरफोर्थ ये कौन था, तो जेम्स स्टीरफोर्थ जो है डेविड्स फ्रेंड एट सलीम हाउस स्कूल, जो पहला स्कूल सलीम हाउस स्कूल में गया था डेविड, तो जेम्स स्टीरफोर्थ से इसकी दोस्ती हुई थी, ठीक है। तो ये दोस्त था, इसके साथ एक और दोस्त था जिसका नाम है मिस्टर टॉमी टर्डल्स, डेविड फ्रेंड एट सलीम हाउस स्कूल। ये दोनों क्या थे, डेविड के फ्रेंड थे सलीम हाउस स्कूल में, और यही जो है दोनों क्रेकल से डेविड कॉपरफील्ड को बचाते हैं, क्योंकि क्रेकल जो बहुत खतरनाक टीचर हेडमास्टर है, और ये सारे टीचरों को इसी तरह से आदेश देता है, लेकिन मिस्टर जेम्स स्टीरफोर्थ और टॉमी टर्डल्स इनके प्यारे स्टूडेंट्स हैं, और इनसे दोस्ती जब डेविड कॉपरफील्ड की होती है तब ये बचता है, नहीं तो डेविड कॉपरफील्ड की बहुत ज्यादा खिंचाई होती है, उसका बहुत परेशान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो
ये 14 नंबर जो कैरेक्टर्स है ये कह रहा है कि मिस्टर अस्पेन लो कौन था, तो ए लायर, एक लायर था, वकील था अस्पेन लो, मिस डोरास फादर, ये डोरा के फादर था, डोरा के पिता था, एक वकील था। डोरा कौन थी, तो देखिए मिस डोरा स्पेनलो, मिस्टर डोरा स्पेनलो जो है डेविड्स की फर्स्ट वाइफ थी, पहली पत्नी, जिसका नाम था मिस डोरा स्पेनलो, यानी मिस्टर स्पेनलो की बेटी थी। ये 16 नंबर पे आते हैं, मिस्टर विकफील्ड कौन था, द लायर ऑफ मिस मिस्ट्रेस बेट्सी ट्रॉटवुड, मिस्टर बेट्सी ट्रॉटवुड कौन था, तो ऊपर देखिए यहां पे हम जिक्र किए थे मिस बेट्सी ट्रॉटवुड डेविड की ग्रेट आंट थी, इसकी यानी दादी फुआ, पिता के फुआ थी। तो यहां पे ये जो है लायर था वीकफील्ड, किसका, तो बेट्सी ट्रॉटवुड का लायर था, वकील था। आगे है मिस एग्नेस वीकफील्ड, ये डेविड की सेकेंड वाइफ थी, पहली बार शादी डोरा स्पेनलो से हुआ था और दूसरी बार मिस एग्नेस वीकफील्ड से हुआ था, लास्ट में डोरा के मर जाने के बाद। तो पहली पत्नी डेविड की कौन हुई, डोरा स्पेनलो, और दूसरी पत्नी कौन हुई, मिस एग्नेस वीकफील्ड। ठीक है, नंबर 18 पे आते हैं मिस्टर यूरिया हिप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यूरिया हिप, ये क्या है, तो यूरिया वेलन ऑफ द नोवेल, विलन है, विलन तो फिल्म में आप अक्सर देखते हो, बदमाश है यानी गुंडा जिसको बोलते हैं आप, नोवेल का सबसे घटिया आदमी कौन है, मिस्टर यूरी हिप, जो क्या है विकफील्ड्स क्लर्क, जो किसका क्लर्क बनता है, विकफील्ड का क्लर्क बनता है ये। विकफील्ड कौन है, तो विकफील्ड आप देख पा रहे थे कि विकफील्ड जो है वो मिस बेट्सी ट्रॉटवुड की लायर थी, ठीक है, बाद में बिजनेस पार्टनर भी बनता है, ठीक है, इसी को हथियाने के चक्कर में कौन रहता है, यूरिया हिप, हमेशा उसके ताक में रहता है। 19 पे आते हैं मिस्टर मीका वेयर, ठीक है, मिस्टर मीका वेयर कौन है, डेविड्स फ्रेंड एडवे वेयर हाउस, शराब खाने में जब डेविड को उसके पिता जो स्टेप फादर मडस्टोन जो है, जब शराब खाने में कॉर्क लगाने के लिए भेजते हैं, तो वहां पे इसकी दोस्ती मिस्टर मीका वेयर से होता है, बहुत ही भला इंसान, सबसे सीधा साधा इंसान नॉवेल का कहा जाए तो मिस्टर मीका वेयर ही है, बहुत हम्बल पर्सन है। नंबर 20 की बात करें तो मिस्टर स्ट्रॉन्ग द प्रिंसिपल एट कैंटरबरी स्कूल, डेविड कॉपरफील्ड को दूसरी बार जब एडमिशन हुआ तो कैंटरबरी स्कूल, कैंटरबरी जगह का नाम भी है, वहीं पे स्कूल था, यानी विकफील्ड के घर के बगल में ही था, आसपास से उसके पास में ही था कैंटरबरी स्कूल, किसके, तो विकफील्ड जो क्लर्क था किसकी, डेविड के ग्रेट आंट बेट्सी ट्रॉटवुड उसकी, ठीक है। तो ये कंटरब्यूरिया स्कूल के प्रिंसिपल थे मिस्टर स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा भले किस्म के इंसान थे जो काफी मदद करते हैं डेविड के लाइफ में। एक और है मिस्टर मेल, मेल कौन है, तो ए पुअर टीचर एट सलीम हाउस स्कूल, सलीम हाउस स्कूल का एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब तबके का इंसान है मिस्टर मेल। आगे है मिस्टर डीक कौन है, ट्रॉटफुट सेक्रेटरी, बेट्सी ट्रॉटवुड जो इसकी ग्रेट आंट थी, इसके पापा की फुआ थी अर्थात इसकी ग्रेट आंट, उसकी वो क्या है, सेक्रेटरी है, कौन, मिस्टर डिक। और ये है मिस्टर इमा मीकावेर, इमा मीकावेर जो है वो मीकावेर के वाइफ है, कौन मीकावेर, तो वो जो मीकावेर है।